गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारी प्रश्नावली 1.2 शुरू करेंगे। मतलब प्रश्नावली 1 की दूसरी एक्सरसाइज हम आज शुरू करने जा रहे हैं। हमारी प्रश्नावली 1.1 वो हमने लास्ट क्लास में खत्म कर दी थी, कंप्लीट हो गई थी, तो आज हम 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो ठीक है, इसमें हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने अंकों में जो लिखा था तो उसको शब्दों में लिखना सीखा था, तो हमने जो हमारी हिंदी वाली जो थी प्रणाली उसमें हमने दूसरी प्रणाली में लिखा था। आज हमें ये मिलियन बिलियन ये सब भी यूज करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है इसके अंदर हमारा होता है एकक, हजार, मिलियन और बिलियन। ठीक है, तो इसके अंदर इस तरह से तीन चार पांच ऐसे मतलब पार्ट होते हैं, जिसके भी तीन तीन पार्ट होते हैं। देखो ऐसे एकक के अंदर हमारा क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, सॉरी एकक के अंदर हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा तीन आता है, हजार में कितना आएगा हजार, दस हजार, सौ हजार। ठीक है, ऐसे मिलियन में कितना आएगा, मिलियन, दस मिलियन, सौ मिलियन, ऐसे बिलियन में बिलियन, दस बिलियन, सौ बिलियन। ठीक है, इस तरह से हमें ये करना होता है। जब हमने पहले वाली प्रणाली जो पढ़ी थी उसको हमारा क्या था, सिर्फ इकाई, ढाई, सैकड़ा और हजार, फिर उसके बाद दस हजार, फिर उसके बाद हमारा लाख शुरू हो जाता है, करोड़ शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हमारे दो दो के जोड़े बनते हैं। एकक वाला ये जो हमारा हिस्सा है ये तो बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन जो ये हजार से फिर ये घर है ये अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कैसे पढ़ेंगे हम, इकाई, ढाई, सैकड़ा, ठीक है, फिर उसके बाद हजार, दस हजार, सौ हजार, फिर हमारा मिलियन, दस मिलियन, सौ मिलियन, इस तरह से हमें पढ़ना होगा। तो देखो इसमें हम कैसे लिखेंगे, पहला जो हमारा प्रश्न है वो है अंकों में लिखो। हमें शब्दों में दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, अंकों में लिखना है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारे कितने स्थानीय मान है, सबके स्थानीय मान देखेंगे। ठीक है, स्थानीय मान की देखो यहाँ पे है हमारा 3,005,008। ठीक है, तो 5,008, तो देखो 8 हमारा कौन सा अंक है, इकाई का अंक, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। देखो ये इकाई का अंक हमारा 8, अब हमारा 5,000, तो देखो यहाँ पे दहाई का अंक नहीं है, सैकड़ा का अंक नहीं है, डायरेक्ट हमारा कितना है, हजार का अंक। तो जब दहाई और सैकड़ा का अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, तो हमने ये दो जीरो लगा दिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा वाला अंक, और हजार में कितना है हमारा 5, तो हमने लिख दिया 5,005। अब हम और आगे बढ़ेंगे, और आगे है हमारा 3,000,000। देखो अब इधर देखो, हमने कहा था हजार तक कर लिया था, हजार के बाद दस हजार, दस हजार का इसमें पद नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सौ हजार का पद नहीं है, अब कहीं का पद है हमारे पास मिलियन वाला, तो मिलियन में कितना आएगा यहाँ पे 3। ठीक है, और बाकी हम दस हजार और सौ हजार की जगह क्या करेंगे, भाई जीरो, तो हमने जीरो लगा दिया और बाकी मिलियन की जगह हम लिखेंगे 3। तो इस तरह से आपको करना है, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही हमें करना है। जैसे हमारे पास सैकड़ा वाला अंक नहीं होता तो हम जीरो लगा देते थे, ऐसे ही अगर हमारे पास कोई भी अंक नहीं है तो हम जीरो ही लगाएंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, 3,005,008। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 403,010,150। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, देखो हमारा इकाई का अंक कहाँ है, इकाई का अंक तो हमारा है ही नहीं, इसमें डायरेक्ट हमें क्या दे रखा है, दहाई का अंक 50। ठीक है, तो 50 में हमारा देखो कैसा होगा, 50 में जो जीरो है वो हमारा इकाई का अंक है और 5 हमारा है दहाई का अंक, और है 150। 100 मतलब सैकड़ा वाला अंक कितना होगा हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 150, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो हमारा एकक वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हजार वाले में जाते हैं, तो हजार वाला कितना है हमारा, देखो हजार वाले में है हमारा सिर्फ 10,000, तो देखो हजार के हजार वाला हमारा यहाँ पे नहीं देगा कुछ, हमें 10,000 दे देता है, 10,000 वाले में कितना है हमारा, 10,000 वाले में 1, देखो, और 100,000 वाला भी पद हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो हजार वाले की
और 10,000 वाला है तो 10,000 वाला हमें दे रखा है यहाँ एक लिखेंगे और हमें 100,000 का पद नहीं दिया गया है तो 100,000 वाले पद की जगह 0 लिखेंगे। अब देखो ये है हमारा 403 मिलियन, ठीक है 403 मिलियन। तो 403 कैसे लिखेंगे, 403 देखो हमने घर का कंप्लीट कर लिया 10,000 तक और 100,000 वाले की जगह हमने 0 लिख दिया। तो अब हम मिलियन वाले पार्ट में जब आते हैं तो हमारे पास देखो 403 मिलियन, मतलब यहाँ पे हमारा 100 वाला भी आ गया 4 और 10 वाला हमारा मिलियन का दे नहीं रखा हमने तो हम क्या करेंगे 0 लिखेंगे और इस वाले पार्ट में हमें दे रखा है यहाँ पे 3 मिलियन। तो 403 मतलब ये वाला इस तरह से 403 मिलियन, मतलब हमारा ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट था हमारा 10,000, इसमें हमें कितना दिया हुआ था सिर्फ ये वाला और 100,000 वाला नहीं था तो हमने 0 लिख दिया था। ऐसे ही इस वाले का हमने कितना दिया था 150, तो हमने ये 150 ऐसे लिख दिया था, ठीक है ये इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं हमसे 403। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें जो पद नहीं दे रखा है उसकी जगह हमें क्या लिखना है 0, ठीक है। बाकी जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है हमें वैसे लिखना है, सिंपल है। 150 था पहले यहाँ पे तो ये हमने 150 लिखा तो ये इकाई का दहाई का और सैकड़ा का, ठीक है। फिर हमारा था 10,000 तो हमने यहाँ पे इस वाले पार्ट में देखा, ठीक है। तो 10,000 हमें दे रखा था तो 10,000 वाले में हमने एक लिखा और बाकी 1,000 और 100,000 का पद नहीं था तो हमने 0,0 लिख दिया, ये इतना हो गया। फिर उसके बाद हमने मिलियन वाला देखा तो 100 मिलियन, 10 मिलियन और मिलियन, इसमें हमें दे रखा था 403 तो हमने यहाँ पे 403 लिखा तो मिलियन का 3 हो गया, 10 मिलियन हमारा 0 और 100 मिलियन वाला हमारा 4, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से आपको इसके बाकी के क्वेश्चन करने हैं, ऐसे ही इसमें और क्वेश्चन भी है तो आप किसी भी तरह मतलब कोई भी हमारे अगर शब्दों में दिया हुआ हो तो आप उसे अंकों में लिख सकते हैं, ठीक है।